हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू ट्रेलर दैट इज़ ऑफ हाउसफुल 3। जी हाँ, हाउसफुल सीरीज़ की नेक्स्ट मूवी हाउसफुल 3, इसका ट्रेलर अभी अभी इरोज नाउ ने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर। हाउसफुल, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली दो मूवीज हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, कमर्शियली इट वॉज गुड। सो लेट्स स्टार्ट टू वॉच द ट्रेलर ऑफ हाउसफुल 3। साजिद नरियर वाला ग्रैंड सन्स का है प्रोडक्शन है लास्ट टू मूवीज की तरह, और इट्स दिस टाइम दे आर बेस्ड ऑन लंदन। जैकलिन इज बैक अगेन, लीजा हेडन एंड नरगिस फकरी। बहुत थके हुए डायलॉग्स। गनीमत है फॉग नहीं बोला। पैसे दे वाला ये शादी होने नहीं दूंगा। कितना लोन है? 5,000 करोड़। इतना लोन खुद के लिए नहीं लेते, देश के लिए लेते। दिस वाज गुड। ये दोनों इस हाउस में कैसे घुस गए? वो दोनों तो पहले इस हाउस में घुस गए थे, तुम्हारी एंट्री बाद में हुई। फराज साजिद, सो फ्रेंड्स, इरोस और साजिद नरियडवाला का प्रोडक्शन है। दिस टाइम मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं फराज साजिद। लास्ट टू मूवीज डायरेक्ट की थी साजिद खान ने। साजिद खान और साजिद नरियडवाला के बीच के उसके बाद जो भी रिलेशन थे वो बिगड़ गए थे, इसकी वजह से साजिद खान को उन्होंने आउट कर दिया था इस हाउसफुल 3 सीरीज से। सो फरहाद साजिद का भी ट्रैक रिकॉर्ड, यू नो, आप जानते हैं कि वो एक कॉमेडी मूवीज़ के राइटर हैं, डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं, पर हमेशा की तरह उनके डायलॉग्स थोड़े पीजे किस्म के होते हैं, और इस मूवी में भी आपको दिख रहा है कि वो किस तरह के पीजे काइंड ऑफ डायलॉग मार रहे हैं। और साजिद फराद ने जो अपनी फर्स्ट मूवी डेब्यू एज एक्टर डेब्यू किया था वो थी इन द एंटरटेनमेंट, अक्षय कुमार और जो साउथ की हीरोइन है तमन्ना भाटिया के साथ वाली। उस मूवी का क्या हश्र हुआ था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मूवी को ट्रेलर को देखने के बाद कुछ ज़्यादा इस मूवी से एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है। हाउसफुल 3 ब्रांड नेम जरूर है थोड़ा बहुत हाउसफुल 1 और 2 की वजह से, इवन हाउसफुल 1 और 2 भी मेरे लिए ओके मूवीज़ थी। ट्रेलर देख के तो कुछ भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा मूवी के अंदर। अक्षय कुमार की ये नेक्स्ट मूवी है आफ्टर एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट वाज अ वेरी नाइस मूवी।
सो लेट्स होप कि ये मूवी इन सब के लिए अच्छा करे। रितेश देशमुख की भी काफ़ी टाइम बाद मूवी आ रही है, एंड अभिषेक बच्चन की, यस अभिषेक बच्चन इस मूवी में नई एंट्री है। फर्स्ट पार्ट में फरदीन खान थे, सेकंड पार्ट में जॉन अब्राहम थे, और इस टाइम अभिषेक बच्चन। तो आई होप अभिषेक बच्चन के लिए मूवी कुछ कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। उनकी लास्ट रिलीज थी सोलो हीरो, वो थी ऑल द बेस्ट, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वॉज द ट्रेलर रिएक्शन फॉर द हाउसफुल 3 ट्रेलर। सो गाइज, यू कैन वॉच अदर ट्रेलर सेक्शन ऑल्सो ऑन माई चैनल। यू कैन वॉच रिव्यू ऑफ क्रिकेट मैचेज, यू कैन वॉच एनालिसिस ऑफ फिल्म सेलिब्रिटीज ऑन माई चैनल। माई चैनल आई डी शशांक दलेला, यू कैन सब्सक्राइब इट हेयर। सो गाइज, कीप एंजॉइंग।